माई सेल्फ इज सचिन रंजन दास। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे कैसे आए हैं? मैं बेसिकली रहने वाले तो हम यहाँ ब्रिज के ही हैं। ब्रिज के? हाँ। कितने वर्षों से ब्रिज में, किस जगह पे आप रहते हैं? ब्रिज में हम वृंदावन में काफ़ी समय हमारा समय व्यतीत हुआ। कितना? पढ़ाई लिखाई हमारी 12वीं तक सारी ब्रिज में ही हुई। उसके पश्चात हम महाराष्ट्र में पुणे से इंजीनियरिंग किया, वहीं से हमने आपने बताया 12वीं आपकी ब्रिज में हुई जी। कौन से विद्यालय से हुई है? श्री ब्रज आदर्श क्षेत्र कॉलेज महाराष्ट्र जी। तो आप कितने वर्षों से इस ब्रिज के उसमें क्षेत्र में रह रहे हैं? ब्रज क्षेत्र तो हमारा जन्म से ही यहाँ पर क्षेत्र में रहा है, तो 36 बार वर्ष हो गए हमें जीवन। आप इस मंदिर में रह रहे हैं, यहाँ पे कब से रह रहे हैं? गत करीब 1.5 साल से। 1.5 साल पहले आप कहाँ थे? 1.5 साल पहले मैं ऑल ओवर इंडिया में मेरा प्रचार कार्य का रहता है, क्योंकि मैंने कॉलेज में पुणे में प्रचार कार्य किया। क्या आप प्रचार कर रहे हैं और आप किस धर्म से हैं और किस बारे में प्रचार करते हैं? हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा से हैं, इसलिए गीता भागवत के आधार पर ही प्रचार कार्य हमारा रहता है। तो आप इस मंदिर में मेनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह जितने भी रहते हैं हम उन्हीं कॉलेजेस में अच्छा प्रयास करते हैं प्रचार करने। इस मंदिर में आप कैसे पहुँचे? 1.5 वर्षों से आप किसके थ्रू यहाँ पे आए हैं? हमारे गुरुजनों की आज्ञा के आधार पर हम यहाँ पर पहुँचे हुए। कौन गुरुजन है, आपके नाम बताइए उनका। हमारे गुरुजी हैं श्री नवगुरु स्वामी महाराज। किधर रहते हैं वो? वो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं, उनका रहन सहन कहाँ कहाँ है? रहन सहन उनका सारे, जब संत बन जाते हैं तो रहन सहन अलग अलग केंद्रों को सब जगह पर हैंडल करते हैं। तो आप अपने गुरुजी की आज्ञा से यहाँ पे आए हैं? हाँ, हमारे गुरुजनों की आज्ञा से यहाँ पर आए। यहाँ की स्थितियों के बारे में हमें पता चला कि मंदिर गिरने के कगार पर है, इस मंदिर का कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। जैसी यहाँ की स्थितियाँ थी, यहाँ पर स्थितियों में ठाकुर जी की सेवा के बजाय यहाँ पर एक प्रकार से बुरी हालत में ठाकुर जी के जाले लगे हुए थे। यहाँ पर इससे पहले ठाकुर जी की सेवा करने वाला कोई नहीं था, और ठाकुर जी की सेवा की स्थिति को देख करके हमारा हृदय काफ़ी दुखी हुआ, और ठाकुर जी की स्थिति को देख करके हम यहाँ पर हमारे गुरुजनों की आज्ञा अनुसार यहाँ पर। आप गुरुजनों की आज्ञा से यहाँ पे आए हैं, तो क्या आपने इस मंदिर पे कब्जा कर लिया है, या आपके जो आसपास का वातावरण है, जो लोग हैं, क्या वो आपको जानते हैं? जो आपने अभी एक सवाल किया कि यहाँ पर सेवा करने वाला कोई नहीं था, तो पिछले इतने वर्षों से ये मंदिर खंडित क्यों नहीं हुआ, इस अवस्था में कैसे बना हुआ है? इस अवस्था में हमारे आने के पश्चात ही हमने इस अवस्था में इसको फिर से रेनोवेट करने का प्रयास किया है। पैसा कहाँ से आया आपके पास इसको रिन्यू करने के लिए? रेनोवेट करने के लिए हमारे पास, हम जगह जगह लोगों से भिक्षा याचना करते हैं, भिक्षा करके हम लोगों से सहयोग की कामना करते हैं, लोग आते हैं हमारे कई सारे प्रचार के माध्यम से। आप यहाँ पे एक वर्ष से आप यहाँ पे हैं, और आपने कहा यहाँ पे सेवा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमने अपने सर्वे के अनुसार पता लगाया यहाँ पर तो महाराज जी थे, मंदिर के महाराज जी लगातार यहाँ पर थे। मंदिर के महाराज जी थे, मंदिर के महाराज जी के पास ही कोई सेवा करने वाला नहीं था, इसलिए मंदिर के महाराज जी ने ही देखा कि सेवा करने में वो अपने आप में अकेले रहते हुए असमर्थ थे। सेवा करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति आकर के सारे पहाड़ उखाड़ सकता है, कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इट्स ए टीम वर्क, सो टू डू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सन टू गॉड, इट्स नॉट ए वन पर्सन वर्क, किसी भी कार्य के लिए टीम की आवश्यकता पड़ती है। आपका ये टीम वर्क है, तो जो यहाँ पर एक वर्ष पहले से महाराज जी इस मंदिर में थे, आपने उनको क्यों मंदिर से जाने को कहा? हमने किसी को भी मंदिर से जाने के लिए नहीं कहा, ये तो एक बहुत बड़ा गुमराह किया गया आपको। हम नहीं जानते कि आपको किस प्रकार से किसी ने ऐसा कहा कि किसी को मंदिर से जाने के लिए कहा। हम क्यों मंदिर से जाने के लिए कहेंगे? मंदिर तो सबके लिए होता है, मंदिर तो आने के लिए होता है, जाने के लिए थोड़ी होता है। बिल्कुल, हम खुद ही अपना घर बार छोड़ करके मंदिर में आकर के रह रहे हैं, तो मंदिर से किसी को। उन्होंने तो अपने बयान में कहा कि आप लोग उन्हें धमकियां देते हैं यहाँ पर, उन्हें वापस भेज दिया जाता है आने पे, और आपने यहाँ के जो धर्म संस्थापक हैं उन सब बोर्ड वगैरह को भी चेंज कर दिया है, जो पुरानी लिखावट थी उनको भी आपने हटा दिया है। पुरानी लिखावट नहीं थी, पुरानी लिखावट जो थी, जो बोर्ड था वही बोर्ड था, वही बोर्ड अभी तक भी रहा। कल हमने सामने बोर्ड गिरा पड़ा हुआ है। कल हमने जेसीबी को अंदर लाना था, जेसीबी लाने के लिए हमारा बोर्ड बीच में, पहले इससे पहले भी जेसीबी आई थी जिसका मॉडल छोटा था, जो आसानी से आ गई थी। जब दूसरी जेसीबी हमने कल लेकर के आए, जो हमने कचरा था उसको हटाने के लिए तो लेकर के आए, तो अड़ रही थी, इसके चलते हमने कटवाया उसको। हमारे पास वेल्डर था, हम उसको एज इट इज रूप से और अच्छे रूप में उसको आपने कटवा दिया, लेकिन अभी तक ये जो लगाया क्यों नहीं गया? ये एक बहुत पुरानी पारंपरिक संस्था का बोर्ड है, एक मंदिर नहीं का। ये आप
इसमें पुनः गुमराह हो रहे हैं। संस्था का जो बोर्ड है अभी भी वहीं पर है और कल के दिन ही ये संस्था का बोर्ड काटा गया मजबूरी में, क्योंकि हमने जेसीबी को अंदर लाना था। कोई भी काम चुटकी में विश्वकर्मा जी की तरह नहीं होता, कोई भी काम करने में समय लगता है, इसलिए जब कोई काम अच्छी तरह से करना होता है तो अच्छी तरह कार्य करने के लिए उसके लिए रूपरेखाएँ तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए अन्य चीज़ें लगाई जाती हैं, लेबर को भी बुलाया जाता है। इसको ठीक करने का क्या रोड मैप है आपके पास, किसने आदेश दिया है इस तरीके से इसको रेनोवेट करना है? इस तरह से रेनोवेट करने के लिए कोई हमारे पास किसी आर्किटेक्ट का रोड मैप नहीं, अगर नहीं होता, क्योंकि कोई भी रेनोवेशन यहाँ के अंतर्गत जो किया जाता है, जब ये दिखाई दे रहा है कि सामने वाली दीवार गिरने के कगार पर है तो उसको प्लास्टर करने के लिए किसी आर्किटेक्ट पास रोड मैप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो बेसिक काम होते हैं वही बेसिक कार्य कराए जा रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में ऐसा नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लैट तैयार किया जा रहा हो या इस मंदिर को 10 मंजिल का मंदिर बनाया जा रहा हो। इन सब चीज़ों के लिए रोड मैप की आवश्यकता पड़ती है। घर में कोई व्यक्ति बेसिक कंस्ट्रक्शन जब करता है तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार की जैसी आवश्यकताएँ होती हैं वैसी आवश्यकता होती है। लेकिन ये घर नहीं है, एक मंदिर है और मंदिर की मीनार काफ़ी ऊँची है। बिल्कुल, तो ये घर को लेकर के अगर आप चलते हैं कि हमको इसका कंस्ट्रक्शन कराना है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमेशा एक गढ़ने में किया जाता है, उसमें बहुत से साधु महात्मा रहते हैं, ट्रस्टी होते हैं, लेकिन आप इसका पर्सनल खुद बेड़ा कैसे उठा सकते हैं किस बेस पर? पर्सनल बेड़े के आधार पर कोई नहीं पर्सनली बेड़ा उठाता। जब चार साधु जिस जगह पर रहते हैं, साधु लोग उस जगह की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, साधु लोग उस जगह के कलरिंग का ध्यान रखते हैं। हमने इसमें कोई ऐसा नहीं किया कि इसमें लेंटर डाला हो कहीं पर, हमने ऐसा नहीं किया कि इस मंदिर में 15-20 कमरे बनाए हों, हमने जहाँ पर साफ सफाई का बात होती है वहाँ साफ सफाई की जाती है। साधारण आदमी की सामने वाला व्यक्ति अगर लोग इस प्रकार से नीचे गिर जाता है चेतना के रूप में कि वो साधारण साफ सफाई को ही अगर ऐसा सोचता है कि आपने किस तरह से इसको बीड़ा उठाया, तो बहुत बड़ी अज्ञानता है। ट्रस्ट से आपने परमिशन ली जो यहाँ पे ट्रस्ट है? जो भी ट्रस्ट है इसका, ट्रस्ट के अंतर्गत हम सारे कार्य कर रहे हैं। कौन है इस ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग हैं? वृंदावन में कई सारे भक्त लोग हैं जो इसके ट्रस्टी लोग हैं, आप जानकारी ले लीजिएगा इसके ट्रस्ट के बारे में। आप बताइए अपने शब्दों में कौन लोग हैं? हमें हमारे शब्दों में उन ट्रस्टी लोगों के बारे में इतना विस्तार से नहीं जानकारी। आपको आदेश किसने दिया? जो यहाँ पर महंत है उनके आदेश पर उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से सारी जानकारी ली। क्या नाम है महंत जी का? महंत जी का नाम है अभय चरण दास बाबा जी महाराज। अच्छा, तो अभय चरण जी ने आपको यहाँ भेजा है? बिल्कुल ठीक है, एक बार बता इसकी।